टॉपिक जो हमने स्टार्ट कराया उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे आपके पास दीर्घकाल की आपके पास तीन फैक्ट्री है, तीन फैक्ट्री और तीन चैन आपके पास फैक्ट्री से माल वापस आएगा आउटलेट में जाने वाला। ठीक है, अगर फैक्ट्री वन से आउटलेट वन में माल ज्यादा है तो 5 रुपए की कॉस्ट आएगी रास्ते की, अगर फैक्ट्री वन से आउटलेट टू में तो 7 रुपए की कॉस्ट, फैक्ट्री वन से आउटलेट थ्री में तो 3 रुपए की कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री टू से अगर जाएगा माल तो 2 रुपए की, 1 रुपए की, 6 रुपए की, फैक्ट्री थ्री से 3, 7 और 2। तो फैक्ट्री से माल जाएगा कहाँ पे? आउटलेट में। हमने देखा फैक्ट्री वन में हमारे पास कुल मिला के कितना माल पड़ा हुआ है? 30 का पड़ा हुआ है। फैक्ट्री टू में, फैक्ट्री थ्री में 20 का पड़ा हुआ है। और इन आउटलेट की डिमांड कितनी है, मतलब इन्हें माल कितना कितना चाहिए, तो कितना चाहिए? 40 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आउटलेट की जो डिमांड है और जो माल अवेलेबल है फैक्ट्रीज के पास, वो दोनों क्या है? इक्वल है। और हमारे पोर्शन के लिए भी दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्शन ये अराइज होता है, पहला तो हमारा क्या कि कौन सी फैक्ट्री से कौन से आउटलेट में माल भेजा जाए ताकि हमारी जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है? कम से कम रहे। ठीक है, जब भी आपके पास कॉस्ट का या आर का पोर्शन आएगा तो हमें कॉस्ट क्या करनी है? मिनिमाइज करनी है। और जब भी आपके पास प्रॉफिट का, सेल्स का या रेवेन्यू का पोर्शन आता है तो हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इन बातों का आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो पोर्शन है हमारा किसका है? मिनिमाइज का पोर्शन है हमारा। ये पोर्शन कितना है? तो पोर्शन अभी हमारे साथ ये उठ रहा है कि भाई कौन से फैक्ट्री से कौन से आउटलेट में माल भेजा है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन कितने हैं आपके? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। अब सर हमें एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन का असाइन करता है। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर लें, कभी भी आपका 1-to-1 रिलेशन एप्लीकेबल नहीं, मतलब कि फैक्ट्री वन के पास अवेलेबल कितने हैं? 30 और आउटलेट वन में 2, 3, 1-to-1 ऐसे हैं आपके पास। तो यहाँ पे फैक्ट्री वन जो है वो आउटलेट वन को भी माल भेज सकता है और आउटलेट टू को भी और आउटलेट थ्री को भी। अरे हाँ, ना यहाँ पे हमने किसी को रोल बताया गया कि फैक्ट्री वन आप जो है किसी आउटलेट को माल दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई से भी फैक्ट्री किसी भी आउटलेट को माल सेंड कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट में क्या था? एक वर्कर सिर्फ एक ही जॉब कर सकता है, वो दो जॉब नहीं कर पाएगा। तो एक वर्कर सिर्फ कितनी जॉब कर सकता है? एक। ठीक है, तो वो हमारा भी पूछा था, वो हमारा प्रिंसिपल असाइनमेंट था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें हमने क्या बोला है आपसे कि भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होने वाला है आपके साथ? क्या होगा? कोई भी फैक्ट्री किसी भी आउटलेट को माल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पर्पस है मेन, वो क्या है? हमें क्या चाहिए? कॉस्ट मिनिमाइज चाहिए। तो एक बार आप क्योंकि आप मुझे बताइए कि कौन सी फैक्ट्री से कौन से आउटलेट में माल भेजा जाए ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या है? कम आए। तो बताइए क्या होगा? फर्स्ट से अगर थर्ड में भेजते हो तो फैक्ट्री वन देगी किसको? इसके पास माल भी कितना है और इसकी रिक्वायरमेंट भी कितनी है? तो ऐसे हो जाएगा। फिर आपने कहा फैक्ट्री टू में ऑटो को तो 40 इसको और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? तो इसको 30 और चाहिए होगी। तो किससे लेगी वो? अभी तो आपका ये सॉल्व हो पा रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? लेंथी होते हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपका ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कराएंगे दैट यू कैलकुलेट इज व्हाट योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के यहाँ पे आपके पास क्या दे रखते हैं? तीन वो दे रखते हैं। मेरा थ्री देखता है मेथड्स टू कैलकुलेट व्हाट योर बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट बेसिक सॉल्यूशन। हम क्या निकालेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन के बाद हम इसमें क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो दो चीजें हैं आपकी, पहली इज व्हाट? बेसिक सॉल्यूशन। दूसरी इज व्हाट? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है क्या? पहली चीज क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन करने के आपके पास तरीके कितने हैं? तीन तरीके हैं आपके पास। तरीके तीन। पहला क्या है आपका? ठीक है ना, पहले बी डिस्कस कर रहे हैं, बी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कौन सा है आपका? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और लास्ट है आपका? बैंक।
5 तो सर एक काम करो,
फाइव मतलब फैक्ट्री टू से माल भिजवाए वहाँ पे वेयर हाउस थ्री में, फैक्ट्री टू से माल भिजवाया जाएगा वहाँ पे वेयर हाउस थ्री में। सर एक काम करो, पूरे 200 भेज दो यहाँ पे, सस्ता पड़ेगा हमें। माना हमारे पास कैपेसिटी कितने की है पर उसकी डिमांड कितने की है, तो हम उसे से कितना देंगे, नहीं हम ऐसे एलोकेट करते हैं। देखिए हमने 100 क्वांटिटी दी इसको फैक्ट्री से, इसे देख आते हैं वेयर हाउस थ्री में, अब इसकी डिमांड तो क्या होगी, जीरो जीरो, और इसकी डिमांड कभी भी फिर रखा हुआ है। ठीक है जी, अब हम ढूंढेंगे हमारी नेक्स्ट 20 क्वार्टर, नेक्स्ट 20 क्वार्टर में सिक्स मतलब फैक्ट्री वन से वेयर हाउस टू में, सर इसको 750 चाहिए पूरी बाजार को, सौ रुपए से फैक्ट्री वन से वेयर हाउस टू में ये लेते हैं कि तो यहाँ पे कितना होगा जीरो, और यहाँ पे वेयर हाउस टू को 350 क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हम अनोवेशन शुरू करेंगे, मतलब कि फैक्ट्री वन से वेयर हाउस वन में माल भिजवाया जाएगा। अब फैक्ट्री वन के पास कैपेसिटी से भेजेंगे हम तो ये आप किसी और से मांगेंगे कि आगे चल रहे हम इसके पास 10 पास हैं, तो इसमें तो आपकी 9 चलती चलती रहते हैं, लेकिन पिक्चर 9 चलेगी आपकी। अब ना तो ये मांगेगा और ना ये दे पाएगा। अगला कौन सर दिखता है केवल 3 डिमांड तो है पर कैपेसिटी नहीं है थ्री के पास, नहीं सर डिमांड ही नहीं है। कॉस्ट क्या है सबसे कम है, मान लो बाई चांस
ये स्टोर 3 में नहीं पहुंच पाए तो फिर जाएगा कहां पे? 7 में। तो अगर ये गलती से भी यहाँ पर अगर माल नहीं गया तो आप यहाँ खुश होंगे और आपकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट कितने का होगा? 4 रुपए तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी पैनल्टी। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपके पास आएगा पी वन। क्या पी वन? यहाँ पर पेनल्टी कितनी है? 4 पेनल्टी। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप थ्री को नहीं दे पाए तो आप S2 को देंगे और उसके हिसाब से आपकी एक तरीके से कॉस्ट में क्या होगा? 4 का इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट को क्या मानते हैं? हमारी पेनल्टी। एक बात करें यहाँ पर पहले कितने? 3 में और एक 5। यहाँ पे 5 रुपए की पेनल्टी आएगी लोगों को। यहाँ पे हम निकालेंगे पेनल्टी कहाँ पे? स्टोर से। भैया स्टोर को मार कहाँ से लेना चाहिए? अगर इससे नहीं तो फिर आठ रुपए की कॉस्ट आएगी। 5 रुपए की कॉस्ट आएगी अगर वो F1 से नहीं ले पाए तो किससे लेगा? F1 से लेगा तो कौन से लेगी? तो पेनल्टी कितनी आएगी? ठीक है लोगी। अब देखिए आप हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे भी है, हम कर रहे हैं आपका टेस्ट फ्रॉम ऑप्टी मान ली, ठीक है ना? टेस्ट ऑफ ऑप्टी आएगी। इसमें स्टेप क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले तो आपने क्या करा, इसमें बेसिक सॉल्यूशन के माध्यम से आप किसी सॉल्यूशन पे पहुंच चुके, ठीक है? ये हमने यहाँ पे लिया है कौन सा वाला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करा था, किससे? बैंक से। इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी का क्वेश्चन अप्लाई करके क्या करना है हमें? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो पहला जो स्टेप होता है टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी का वो क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर प्लस टी माइनस वन दिस शुड बी व्हाट इक्वल टू एलोकेटेड सेल। क्या बोला हमने? आर प्लस टी माइनस वन इक्वल टू एलोकेटेड सेल। अब ये आर क्या है? रो। टी क्या है? कॉलम। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपकी रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 3। तो रो कितनी? 3 कॉलम कितने हैं? 3 माइनस वन 5। 6 माइनस वन कितना? 5। क्या यहाँ पे 5 करोड़ की संख्या है? क्या नहीं है? 1 2 3 और 4, ठीक है? अगर हमारे पास यहाँ पे हमें 5 एलोकेशन होती, कितनी होती हमारे पास? 5 एलोकेशन। तो हम कंटिन्यू करते कहाँ से? स्टेप नंबर 2 से। कहाँ से कंटिन्यू करते हम? पर यहाँ पर क्योंकि r प्लस c माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट एलोकेटेड सेल, ठीक है? तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? मीन डिस्पेरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन डिस्पेरिटी बोलते हैं। और मीन डिस्पेरिटी को हम क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम मीन डिस्पेरिटी नहीं देख रहे हैं, अभी हम मान के चलते हैं कि क्या हुआ है कि हमारा आर प्लस सी माइनस वन जो है वो किसके वहां पर है? तो यहाँ पर इसमें चेंज कर लेते हैं हम, कहीं पे भी आप एलोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने 20 एलोकेट कर दिया, ठीक है जी? तो अभी क्या हो गया आपके पास? इक्वल हो गए ये? इक्वल हो चुके हैं क्या? इफ इट इज नॉट इक्वल तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इसलिए आपका एमसीक्यू बन सकता है, वो पूछ सकता है आपसे कि आर प्लस सी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एलोकेटेड सेल, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? And if your R plus 3 minus 1 is equal to what? Allocated cell. अगर ये प्रूव हो चुका है तो हम कंटिन्यू करेंगे आपसे हमारे स्टेप नंबर 2 में। Now in what step number 2 क्या करना होता है आपको? You have to find out what UI and VJ. UI and VJ आपको निकालना होता है। ये हम कैसे निकालते हैं? By using a combination, और वो combination क्या है?
ऑर्गेनाइजिंग सुपर ठीक है जी। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉस्ट है। यू का मतलब है लोग, और वी का मतलब क्या है, ये हमें किसका निकालना होता है, बड़े ध्यान से शुरू करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अलोकेटेड सेल्स जो है उनकी मदद से आप यहाँ पे यू आई और बी जे निकालने वाले, क्या निकालने वाले हैं, यू आई और बी जे निकालने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू आई और बीजे निकालेंगे। अब यू आई और बीजे कैसे निकलेगा देखिए, तो ये जो सेवन है ना, सेवन इस सेवन का मतलब क्या है, सी आई जे। इस सेवन का मतलब क्या है, सी आई जे। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, सेवन का मतलब तो हो गया है, सेवन जो है वो क्या है, कौन से कहाँ की, रो वन की और कॉलम टू की। क्या है आपकी रो वन और कॉलम टू, तो सी आई जे क्या हो जाएगा आपका, सेवन। अगर हम बात करें थ्री, तो ये कितना है आपका, सी आई थ्री है, ये क्या है थ्री, तो सी आई थ्री कितना है आपका, सी है थ्री। आप क्यू सी थ्री वन कितना है आपका, सी थ्री वन कितना है, इलेवन है। तो ये क्या हो गई आपकी कॉस्ट, और ये जो सी है ये निकलता कैसे है, अगर हम यू आई और बीजे क्या करते हैं, इसमें ऐड कर दें, समझ में आएगा। तो यू आई कौन सा होगा, देखिए भाई आप टेन यू अकाउंट को थ्री वन टू, तो थ्री वन टू कैसे निकलेगा, वन क्या है रो, तो रो वन प्लस क्या बोलेंगे आपका टोटल का आपका यू आई और बीजे, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी आपकी, दिस प्लस दिस, ये वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, दिस प्लस दिस, ये वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, दिस प्लस दिस, ये वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, दिस प्लस दिस। ये 11 कहां से आएगा, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ये 3 कहां से आएगा, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ये 8 कहां से आएगा, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ये 7 कहां से आएगा, ये वाली वैल्यू प्लस आप चेक करें सबसे ज्यादा अलोकेशन कहां पे हुआ है, मैक्सिमम क्या है आपका, टू ही है। अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ठीक है। तो आप एक काम करें, जहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलोकेशन मिली है वहाँ पे आप क्या पुट कर दें, जीरो, क्या पुट कर दें आप, जीरो। अब ये सेवन कैसे बना होगा, तो अगर ये जीरो है तो ये कितना होगा, सभी का दिस प्लस दिस कितना है आपका, हमने क्या यूज करा है अभी, ये कॉम्प्रेशन यूज करा है। आपकी सी आई भी कितनी थी, सेवन, यू आई कितना था, तो बीजे कितना होगा, ठीक है, ये जीरो में कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल, विद द हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल, क्या आपके पास ये वैल्यू आ रही है, अब हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें ये वैल्यू चाहिए भाई, हमें ये चाहिए, क्या ये आ गया आपके पास, इसमें भी एलोकेटेड सेल है, हाँ तो ये नाइन, तो ये नाइन कैसे आया होगा, जब हमने ये और ये प्लस करा होगा तब क्या आया होगा, नाइन आया होगा, चलिए कितना होगा, सिक्स, थ्री प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये सिक्स आ गया, इसमें कोई है एलोकेटेड सेल, हाँ सर ये थ्री आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तभी तो क्या हुआ होगा, सिक्स प्लस माइनस थ्री, तो फिर कॉस्ट कितनी आ रही थी, थ्री, तो ऐसे करके हमें क्या निकालना है, यू वाई को बीजे की वैल्यू निकालनी है। अभी ये कितनी भी नहीं है हमारी, ये वाली ये सेवन है, ये थ्री, अरे धीरे धीरे तो दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा लॉजिकल बस, क्या थ्री कैसे निकलेगा आपका, अच्छा यहाँ पे हमने यू का बनाए थे अलोकेटेड सेल, सिर्फ हमने यहाँ पे यूज करेंगे क्या, उसके अलावा हमने कोई और सेल यूज नहीं करा, हमने सिर्फ क्या यूज करा है, अलोकेटेड,
हमने जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलोकेशन से उस वाली रो को या कॉलम को हमने क्या करा, जीरो अलॉट कर दिया पहले, और उसके बेसिस पे जो भी एलोकेटेड सेल्स है उसके दम पे हमने क्या करिए वीजे अभी यूआई की वैल्यू निकाली। अब इनके बेसिस पे आप और एलोकेटेड सेल्स की मदद से क्या निकाल सकते हैं, यूआई और वीजे की वैल्यू निकाल। अल्टीमेटली में कहने का ज्यादा यूआई और वीजे की वैल्यू बाई यूजिंग दिस रिलेशनशिप। तो दिक्कत है क्या इसमें पक्का? आफ्टर डूइंग दिस स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज देखते हैं आप ये कर लिया आपने, इसके बाद देखिए बड़े ध्यान से देखिए सर, हम आएंगे अब इसके स्टेप नंबर थर्ड पर। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड नाम से आपके इसमें जो भी क्या है अनलोवर्ड एलिमेंट्स रह गए आपके, जैसे कि ठीक है, इनकी क्या निकालेंगे हम वैल्यू निकालेंगे, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं आपका डेल्टा आई जे, क्या बोलते हैं हम डेल्टा आई जे, ये कैसे निकलेगा आपका डेल्टा आई जे यू आई प्लस बी जे, ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्या आप सभी को हम व्हाट इज डेल्टा आई जे। देखिए ये क्या है हमारा एट, इस एट को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डेल्टा वन वन, और जो इज ऑल्सो वन फॉर्म वाला है क्या, इस डेल्टा वन वन में कॉस कितनी है, एट है कॉस माइनस यू आई टू है, इसलिए यू आई टू आई जीरो और इसके बाद बीजे कितना है माइनस थ्री। आएगा समझ में? अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का थ्री प्लस का थ्री, क्लियर है क्या? उसके बाद कौन है ए को हम क्या बोलेंगे डेल्टा टू टू, डेल्टा टू टू कितना है प्लस, क्लियर है? ये कौन रहेगा आपका ए माइनस कितना माइनस पांच। उसके बाद में डेल्टा फाइव और डेल्टा थ्री इलेवन माइनस फोर और माइनस थ्री टू सेवन माइनस सेवन इलेवन माइनस का माइनस का सेवन ऑलरेडी हो जाएगा कितना हो जाएगा एटीन। ठीक है जी, एंड लास्ट इज नॉट डेल्टा थ्री टू कितना है वो माइनस वन माइनस वन पर ना के प्लस तो फाइव माइनस का माइनस वन। ठीक है जी, तो इधर है क्या अब अजी अलोकेट कितना है यहाँ पे, तो अलोकेशन हो रखे हैं इसको में, यहाँ पे भी तो है यहाँ पे भी ये है हाँ सही भी लो आप यहाँ पे एलोकेशन लो, यहाँ पे कुल मिला के एलोकेशन कितने हैं दो, यहाँ पे भी कितने हैं दो, यहाँ पे भी कितने हैं दो, यहाँ पे भी कितने हैं दो, आप सौ को यहाँ पे लो लो आप सौ को यहाँ पे लो लो आप सौ को यहाँ पे लो लो मतलब आपके ऊपर। ठीक है देखिए, अब जब हम डेल्टा आई से निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा आई जे की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर तो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो सकती है जीरो, अगर कोई भी वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसका मतलब इसमें क्या है इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या लगेगा आपका इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा क्या, वेरी गुड, क्या पढ़ना पड़ेगा रूल ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप पे नहीं जा रहे, अभी ग्रुप से क्या बताया आपको पहली स्टेप क्या है आपकी उसके बाद यूआई प्लस बीजे निकालेंगे, इसके बेसिस पे हम यूआई और बीजे की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एलोकेटेड सेल्स। उसके बाद हम क्या निकालते हैं डेल्टा आई से, डेल्टा आई से निकालते हैं अनअलोकेटेड सेल्स, और ये निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, अगर यहाँ पे किसी का भी आंसर जीरो आता है जीरो का मतलब है कि इसके मल्टीपल सोल्यूशन होने के क्या आंसर है, पर जो हमारा है वो भी सही है ना, अगर पॉजिटिव जीरो आ रही है तो हमारा आंसर कैसा है, जीरो डिपेंड्स व्हाट कि इसका मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकता है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमें क्या करनी है, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें दो जगह पे क्या है, इम्प्रूवमेंट है। एक तो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, बी जल्दी को लेके, और एक यहाँ पे इसको लेके। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले तो लूप बनाना पड़ेगा, फिर लूप से आप फिर से हम चालू करेंगे। फिर अगर नेगेटिव फिर लूप, फिर यहाँ चालू होता है। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर मुझे लगता है आपकी सारी वैल्यूज एक बार में आ जाएंगे पॉजिटिव आने वाले, और फिर भी अगर एक बार नेगेटिव आती है तो हमें लूप बनना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में बुक में तो दे रखा है क्वेश्चन कभी हो जाता है फोन करके कवर से करते चलें। ये देखा तो इसके बिल्कुल से हम करते हैं हम ये क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या कवर हो जाए, ये कवर हो जाए, ये कवर हो जाए, ये कवर हो जाए। एंड इफ यू आंसर इज व्हाट एब्सोल्युटली पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरो वैल्यूज, तो जो आपने एलोकेशन कर रखी है वो क्या है, सही है। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्टिमल। एंड नेक्स्ट टाइम ऑप्टिमल के बारे में क्या होगी खत्म, लेकिन क्वेश्चन करते हैं। तो पेनल्टी निकाल रहे हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टिप्स दिया है, क्योंकि लीस्ट सिंपल है, नॉट वेस्ट सिंपल है, बताते हैं वो कौन सा है, पेनल्टी। अब इसमें आप देखिए, ये तो आपका प्रोडक्ट है, तो इसे काउंट करोगे क्या, और रिक्वायरमेंट को डिस्कस हमें से यहाँ पर ही करना है। चलिए एट, उसके बाद टेन है ना, जीरो चाहिए कितनी, उसको अभी भी तीन चाहिए और इसके बाद जीरो होगी, तो ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। बात करते हैं किसकी, आप पेनल्टी टू में, पेनल्टी टू, पेनल्टी टू में ध्यान फिर से कितना, ये खत्म हो तो फिर तो बैन दो दो टू एंड टू, टू टू भी चेंज नहीं आ रही। बात करें इसकी तो इसका टेन खत्म हो चुका है, तो टेन और इलेवन, इसका सेवन खत्म हो गया, एट और नाइन, इसका टेन खत्म हो गया, एट और नाइन, हाइएस्ट सिंपल टू है। अगर टू ऐसे किसी को भी करो लोगे वो आपके ऊपर है। चलिए अब कर रहे हैं इसको, ये वाले इससे लीज कौन सा है, कितना है हमारे पास, चलिए कितना देर दे दें, तो ये तो जीरो हो गया, हमारे पास मे बी वन बचा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, इस पर बीस चीज है, इससे जी तीन चीज बीस चीज है। अगर हम देखें तो ये अभी भी इसको कुछ नहीं हुआ, नहीं हो चुका है, ये जो आपकी रो है खत्म हुई नहीं, अरे हाँ है ना, ये जो आपकी रो है ये सॉरी कॉलम जो है खत्म हो चुका है, इसके साथ साथ आपका ये वाला भी रो खत्म हो चुकी है, क्लियर है क्या। तो जो डिफरेंट होगा वो कुछ नहीं होगा, एक और इसमें कितना आया आपको, यहाँ पे कुछ नहीं, ये सेवन खत्म हो गया, इलेवन टू, ये टेन खत्म हो गया, तो ट्वेल्व और फोर्टीन, इसकी बात करें तो वन, इसकी बात करें तो वन, और इसकी बात करें तो खत्म हो चुका है, गिरेंगे अब हाईएस्ट क्या आ रहा है आपका टू, उसको तो बढ़ते हैं लोगे, यहाँ पे इसको करेंगे एक को है कितना, चाहिए कितना भी दे दे, तो कितना होगा ये जीरो, भी क्या है फाइव है। अब आप बोल रहे हो कि पेनल्टी फोर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे नहीं है रिक्वायरमेंट पेनल्टी फोर्थ, क्योंकि अभी यहाँ पे भी खाली पड़ा है, यहाँ पे भी खाली पड़ा है, यहाँ पे किसको दे, यहाँ पे किसको दे, यहाँ पे किसको दे, पता है क्या आपको, क्या बनेगा आपका, ठीक है जी। अच्छा और क्या हट चुका है,
ये वाला कॉलम हट गया, अब बताइए कौन सा है, वो वाला बता है, अरे बोलेगा ना हमारे नाम। चलो पहले टीम फोर बना ले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये हो गया है। अभी अगर तू यहाँ पे दे दिया ना तो बाई चांस अगर आप तू नीचे दे रहे होंगे तो पेनल्टी फोर बन रहा होगा, ठीक है ना, वो फर्क होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा तो दिक्कत नहीं है कि बाई इसको दे देंगे हम इसको और ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, अनुपेल को नकल ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये जीरो ये जीरो और ये जीरो। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने यहाँ पे देने की बजाय यहाँ पे दिया होगा तो उसका पेनल्टी फोर बन रहा होगा, हाँ तो इसलिए यहाँ से अगर चेंज होगा तब भी होगा। अब वो पेनल्टी उसके ऊपर है कि हम डिवाइड कैसे कराएं, बस उससे कोई फर्क नहीं है। उससे बस फर्क क्या हुआ है कि सबकी एलोकेशन जो है वो अलग अलग आने लगे, ठीक है ना। अब बेसिक प्रॉब्लम का यही रहता है कि आपके पास देखो एलोकेशन भी अलग अलग है, अरे बोलने का आएगा, ठीक है, आपके एलोकेशन कैसे आ रहे अलग अलग आ रहे, पर अभी एलोकेट तो हो गया ना आपका, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारी एलोकेशन हो गई है। अब हम बढ़ेंगे किसकी और टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी की, ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अरे बोलते नहीं ना आपका एलोकेशन बोल रहे हैं, ये क्या है आपके, अब स्टेप वन क्या चलेगा हमारा, आर प्लस बी माइनस वन, तो रो कितनी है, और कितने हैं, बी माइनस वन सेवन माइनस वन सिक्स, सारे क्या एलोकेशन है, एक दो तीन चार पाँच है, सही है ये। सेकंड स्टेप पे आएंगे क्या निकालेंगे, यू आई वा पीछे कॉम्बिनेशन बी आई के ऊपर से यू आई का चीज है। अब ध्यान से देखना करना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका यू आई और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका बी, यानी कि हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ पे हो रहा है, टी और इसको मैं जीरो रखूँ, बोलेगा अगर ये जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, बारह कितना हो जाएगा, और ये टेन, अरे हाँ यहाँ, अब देखो ये टेन आ गया, इसकी मूविंग क्या कोई और एलोकेशन है, हाँ ये सर ये एट आना चाहिए यहाँ पे, ये टेन तो ये भी माइनस भाई क्या बात समझ में, अब ये माइनस टू है सर, इसकी रो में कोई और एलोकेशन है क्या, हाँ ये है, ये माइनस टू, ये सेवन, तो यहाँ पे कितना होगा नाइन, नाइन माइनस टू कितना होगा, लास्ट कौन सा बच्चा आपका, ये कितना है ग्यारह, और ये माइनस सेवन, पक्का मिलेगा क्या निकाला है हम डेल्टा आई से, इसको डेल्टा आई से निकलेगा आपका, इसका 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 और इसका अपने लिए डेल्टा वन का यू कितना, टू का नाइन,
आधा पार्ट आपके पास को